जी तो नाजरीन, खुमार ड्रामा में कहकशां बेगम पहुंची हरीम के घर और उनके दरमियान हुए मुकालमे कुछ इस तरह के। अब मुझ में चंद अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं है, जो ज़िंदगी गुजारनी थी वो चली गई। काश में हिम्मत होती कि मैं अपनी भाभी के पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगती। हरीम के ये अल्फाज थे। जी तो नाजरीन, कहकशां बेगम माफ़ी मांगने पहुँच गई है। अगर वो हरीम से माफ़ी मांग कर उसके घर रहने लगी तो फैज़ के आने के बाद, उसे सच बताने के बाद, उसकी आंखों में गिरने का खौफ से आंटी कहकशां एक बार फिर हरीम के सामने हाथ जोड़कर कहेगी, आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें और मेरे बेटे के सामने मेरे बारे में कुछ ना कहना। लेकिन बहुत जल्द जब वो फैज़ अस्पताल से ज़ाती तौर पर वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी माँ और उसकी बहन हरीम के घर में मौजूद हैं और तमाम तर जो हरीम के साथ जाती हुई या फैज़ के साथ उसकी ज़िम्मेदार उसकी अपनी सगी माँ और अपनी सगी बहन है। जी तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है अगली, जिसमें हरीम को इंसाफ मिलेगा और कहकशां बेगम दर दर की ठोकरें खाती हुई वापस चली जाएगी।